तो दोस्तों हम प्रेजेंटेशन नंबर 12 की शुरुआत करें। जीरो टू हीरो श्रृंखला में आपसे अनुरोध किया जाता है कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को आप एक बार पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि प्राइस पैटर्न या जिन्हें चार्ट पैटर्न भी बोला जाता है वो होते क्या है। तो दूसरा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम चार्ट पर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के द्वारा ये देखा गया है कि कुछ तरह के पैटर्न इमर्ज होते हैं चार्ट में डिफरेंट मार्केट फेजेस में। मेरे वर्ड को मार्क कीजिएगा दोस्तों, मार्केट के फेजेस में अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न अपियर होते हैं। तो इन पैटर्न को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ये हमें मदद करते हैं दोस्तों कि हम टारगेट भी निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉस एक फिक्स रूल के तहत निकाल सकते हैं। और अगर ये दो बातें हम इसमें कर सकते हैं तो हमें पता लग जाता है कि लॉस अगर जितना होने वाला है तो उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट का टारगेट आ रहा है तो उसमें रिवार्ड कितना है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो निकाल सकते हैं तो हमें रिस्क मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाती है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों कि ये जो पैटर्न इमर्ज होते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर में वो प्राइस एक्शन के द्वारा फॉर्म होते हैं। और प्राइस एक्शन एनालिसिस इज नथिंग अबाउट कि पिछले जो प्राइस के मूवमेंट हुए हैं उसमें किस तरह से डिमांड सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हुआ है, उन्हें आइडेंटिफाई करना और साथ में ये नजर बिल्कुल भी नहीं हटाना कि चार्ट पैटर्न अगर नजर आ रहे हैं तो उनका भी सिग्निफिकेंस है दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये फॉर्म कब होते हैं। कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो बहुत स्पेसिफिकली फॉर्म होते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट एंड डाउन ट्रेंडिंग मार्केट का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मार्केट अप ट्रेंड था तो अगर अब डाउन ट्रेंड में वो आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जहां पे ये चार्ट पैटर्न इमर्ज होते हैं। या उनका अपोजिट होता है दोस्तों, मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है और अब अक्यूमुलेशन फेज की शुरुआत हुई तो उस लोकेशन पर इस तरह के चार्ट फॉर्म होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि दोस्तों ट्रेंड में रिवर्सल हो रहा है, ये उसका इंडिकेशन है। और जैसा डाउ थ्योरी में हमने देखा, डाउ के डॉक्ट्रिन्स में देखा, एक डॉक्ट्रिन क्या बोलती है दोस्तों, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट, ट्रेंड जो होता है वो इंटैक्ट रहता है दोस्तों जब तक कि वो एक डेफिनेट सिग्नल ना दे दे। तो ये जो चार्ट पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान या एक्यूमुलेशन फेज के दौरान जो बनते हैं, जो एक ट्रांजिशन पीरियड है दो ट्रेंड के बीच में, तो वो पीरियड के दौरान जो बनने वाले पैटर्न है दोस्तों वो एक डेफिनेट सिग्नल देते हैं, उसके बारे में डाउ चार्ल्स एम डाउ ने 100 साल से पहले इस चीज की बारे में बातें की। एंड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये इस तरह के पैटर्न है, इन्हें बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है चार्ट के ऊपर में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जब हम प्राइस पैटर्न्स को जब सीख लेंगे दोस्तों, समझ लेंगे दोस्तों, तो ये प्राइस पैटर्न के माध्यम से हमारा वो सेंस डेवलप होना चाहिए कि वो पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर सकें ताकि हम उसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते समय उसका इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो भी प्राइस पैटर्न या चार्ट पैटर्न बनते हैं उनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम करेक्टली उन्हें इंटरप्रेट कर सके, उनका सिग्निफिकेंस समझ सके।
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के फेजेस, जिनको हमने प्रीवियस सेशंस में सीखा कि मार्केट के तीन ब्रॉड फेजेस होते हैं, तो उनके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों डाउट डॉक्ट्रिन से रिलेटेड जो वीडियो जीरो टू हीरो श्रृंखला में है उसे बार बार देखिए, क्योंकि सिक्स डॉक्ट्रिन में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब दोस्तों इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखें, तो चार्ट कैसे दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए। मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि आप देखिए ये प्राइस नीचे गिरी और यहां पर आप देखिए ये अक्यूमुलेशन फेज है, एंड देन इसे हम बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंड दोस्तों अगेन ये इस तरह से मार्केट मूव करता है। चलिए इसको पिक्टोरियली समझते हैं ताकि तरीके से हम समझ सकें। तो दोस्तों ये पिक्टोरियल डायग्राम है जहां पर अलग अलग मार्केट फेजेस के बारे में बोला गया है। अब आप देखिए दोस्तों ये मार्केट एक अक्यूमुलेशन फेज में है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ये दोस्तों देखिए अक्यूमुलेशन फेज है। तो एक तो चार्ट पैटर्न इस फेज के पास में बनते हैं जो इंडिकेट करते हैं, एक डेफिनेट सिग्नल है कि अभी तक तो मार्केट ऊपर से नीचे गिर के आ रहा था, उसके बाद एक्यूमुलेशन फेज का की संभावना बनी और एक ऐसा पैटर्न बना जो हम बोल सकते हैं एक डेफिनेट सिग्नल दे रहा है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तभी तो दोस्तों ट्रेंड चेंज हो रहा है। और ये दोस्तों वो पीरियड होता है या एक्युमुलेशन फेज जब एक सिग्निफिकेंट तरीके से एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म का माहौल होता है, लोग डरे हुए रहते हैं कि नहीं 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 मार्केट बहुत गिर गया, बहुत नुकसान हो रहा है। प्रॉब्ली ये समय है जब आपको एक्युमुलेशन फेज चार्ट पे नजर आएगा और उस समय पे पैटर्न इस तरह के फॉर्म होंगे जो एक डेफिनेट सिग्नल देते हैं। और इस डेफिनेट सिग्नल के बाद दोस्तों ये आप इस चार्ट पे देखेंगे दोस्तों, तो ये इस जगह पे ये आप देखिए, फिर ये फेज चालू होता है जिसको हमने बोला था पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, तो ये रिवर्सल के बाद वो कंटिन्यूअसली ट्रेंड में जाएगा और इस ट्रेंड के दौरान पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज के दौरान अलग टाइप के पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पैटर्न का फॉर्मेशन है जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और एक पैटर्न का फॉर्मेशन है जब ट्रेंड में पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज चालू हो गया है। और फिर दोस्तों ये आता है अगेन इस चार्ट के ऊपर में, मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए ये आया आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के समय में मार्केट इंडिकेट करता है कि ट्रेंड अभी तक अप ट्रेंड जो चल रहा था अब उसके रिवर्सल की संभावना है, मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं, तभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में अब जाने की संभावना है। इस जगह पे फिर चार्ट पैटर्न बनते हैं दोस्तों, और वो चार्ट पैटर्न एक डेफिनेट सिग्नल देते हैं जिनका तात्पर्य है, जिनका सिग्निफिकेंस ये है कि वो बताते हैं हमें कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। और अगेन आप देखिए कि वो जो अभी तक मार्केट का अप ट्रेंड था, अब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आने वाला है इस ट्रेंड के बाद में। और ये जो डाउन ट्रेंड है ये क्या है दोस्तों, पहले एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है स्मार्ट लोग मार्केट से निकलेंगे और उस समय पे जो इल इंफॉर्म्ड लोग हैं वो उसे परचेज करेंगे कि वो सस्ता हो गया है, शायद वो नहीं जानते हैं कि और कितना सस्ता वो आपको उपलब्ध होने वाला है। और ये फेज जो होता है जिसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, कि अलग अलग समय पे जब भी मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है तो उस समय पे लोग फिर से सेलिंग प्रेशर आता है और लोग एग्जिट कर जाते हैं, और जो लोग नए होते हैं जिन्हें मार्केट की समझ नहीं होती है वो बार बार सस्ता खरीदने के चक्कर में उसे अक्यूमुलेट करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान जो इंफॉर्म्ड लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो धीरे धीरे अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये साइक्लिक फिनोमेनन जो है मार्केट में कंटिन्यूअसली चलता है। तो दोस्तों मेजर लोकेशंस क्या है पैटर्न्स की आइडेंटिफाई करने पे, एक टिपिकल पैटर्न्स बनते हैं जो एक्यूमुलेशन फेज में बनते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि ये डेफिनेट सिग्नल है कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी तक डाउन ट्रेंड था, अब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करने वाला है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो उसे पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज बोलते हैं। उसमें एक अलग तरह का ट्रेंड बन, अलग तरह के प्राइस पैटर्न बनते हैं या चार्ट पैटर्न बनते हैं, जिसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जरूर सीखेंगे दोस्तों। और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो फेज होता है जहां पे लोग हेवी प्रॉफिट बुक करते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक लंबे समय पे जिन्होंने ट्रेंड को राइड किया है वो वहां से प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट करते हैं। और एक तरह के पैटर्न बनते हैं, प्राइस पैटर्न बनते हैं या चार्ट पैटर्न बनते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि संभवतः अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, जो अभी तक अप ट्रेंड था अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया जारी रहती है और मार्केट लगातार नीचे गिरता है। तो दोस्तों ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। तो दोस्तों एक बार हमने इस प्राइस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो किस फेज में है, तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हम उसके द्वारा अपने ट्रेड को या इन्वेस्टमेंट को पोजीशन कर पाए कि किस वक्त पे हमको मार्केट में क्या स्टैंड लेना है। तो दोस्तों समझते हैं इसे पिक्टोरियल डायग्राम से। दोस्तों ये वही पिक्टोरियल डायग्राम है जब मार्केट फेजेस को डाउ डॉक्ट्रिन के तहत एक सीरीज में जीरो टू हीरो श्रृंखला में एक्सप्लेन किया गया था। तो दोस्तों इसको अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये यहां पर स्टेज वन है जिसे आप अक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं, और ये फेज के बाद हमें अपना स्टांस रखना चाहिए लॉन्ग ट्रेड के लिए। दोस्तों ये जो देखिए बेस्ट टाइम होता है ट्रेड में बाई करने का, और दोस्तों इसमें बाई करके हम ट्रेड को लंबा राइड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और फिर ये शुरुआत होती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज की। आप देखिए ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शुरुआत हुई, और ये समय जो आता है जहां पे हम लॉन्ग ट्रेड में जो पोजिशन लेकर राइड कर रहे थे उससे एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, एंड दोस्तों हमारा मार्केट का स्टैंस पूरा चेंज हो जाता है। नाउ सारे ट्रेड शॉर्ट सेलिंग वाले होंगे, और ये टाइम होता है मार्केट में सही वक्त पे स्टेज है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत है तो ये बेस्ट टाइम है सेल करने का। तो अगर हम अपने आप को इस तरह से पोजीशन कर पाए, और इसके लिए कीन ऑब्जर्वेशन चार्ट में अत्यंत आवश्यक है, और ये हम जैसे जैसे संडे बाइट की श्रृंखला को देखेंगे तो उसमें ये सारे बात डिस्कस करेंगे। एक वीडियो हमने पोस्ट भी किया था कि किस तरह से टिपिकल मार्केट फेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और उस प्राइस चार्ट पर हमने ये सारी बातें इंटरैक्ट की थी, डिस्कस की थी, जो चैनल में उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि जब हम चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे रिलेटेड स्टडीज को परफॉर्म करते हैं चार्ट के ऊपर में, तो वो क्या टूल है जिसे बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मेन टूल जो है दोस्तों वो है ट्रेंड लाइंस, और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंड लाइंस। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ट्रेंड लाइन को करेक्टली ड्रॉ करना सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें दोस्तों। और मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा दोस्तों कि जो लोग खास करके बिगिनर्स हैं, जिन्हें डिफिकल्टी होती है ट्रेंड लाइन को खींचने में, वो चार्ट के ऊपर में ट्रेंड लाइंस को कई बार खींचे और मल्टीपल टाइम्स खींचे, क्योंकि ये एक आर्ट है और ये स्किल है जो आप में डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है
टू बिकम अ वेरी गुड टेक्निकल एनालिस्ट। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि किस तरह से ट्रेंड लाइन्स को हम डिफाइन करते हैं और क्या करेक्ट मेथड होना चाहिए ट्रेंड लाइन को खींचने की और क्या गलत तरीका है ट्रेंड लाइन को खींचने की, ताकि हम दोनों में कंपैरिजन कर सकें। और उसके बाद इस सेशन के बाद दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा ट्रेंड लाइन अलग अलग चार्ट को, कोई भी चार्ट खोल लीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए ट्रेंड लाइन खींचने के लिए। और ये आर्ट आप में, ये स्किल आप में जब डेवलप हो जाएगी, आप देखेंगे बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज आया है आपके चार्ट की स्टडीज में। एंड दोस्तों ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल अलग अलग पैटर्न्स में होने वाला है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसे सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। और प्रीवियस सेशन जो जीरो टू हीरो श्रृंखला में है, उसको हमने आपको कैसे पिवट्स को ज्वाइन करके हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के रूल्स क्या है, हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन करेक्टली। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें मार्केट में कि पहले जितने भी डिसेंडिंग हाइज है, जब मार्केट लोअर लोज का फॉर्मेशन करता है, लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता है, तो डिसेंडिंग हाइज बनते हैं उनको लोकेट करना, और वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए दोस्तों। ये छोटे छोटे हाई के ऊपर में आप ज्वाइन करेंगे तो वेव्स के अंदर में वेव्स बनती हैं, तो लॉन्गर परस्पेक्टिव को हम नहीं देख पाएंगे, तो उन्हें पीक्स भी बोलते हैं। तो इन पीक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन वो बनती है। या फिर दोस्तों अनदर सिचुएशन है कि हम असेंडिंग लोज को ज्वाइन करें, मतलब जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस समय हम इसे ज्वाइन करें। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पिक्टोरियली अगर हम समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल डिसेंडिंग हाइज हम किसे बोलेंगे, मार्केट ऐसे नीचे गिरा दोस्तों, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं पिवट्स, ये डिसेंडिंग हाइज हैं, जिन्हें हम पीक्स बोल सकते हैं, सेवरल पीक्स, जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर में अलग अलग पीक्स होते हैं उस तरह से। और जब हम इन्हें ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो इन्हें बोलते हैं ट्रेंड लाइंस। अब दोस्तों अनदर सिचुएशन क्या हो सकती है दोस्तों, कि मार्केट हाई बना रहा है, हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, इस तरह से मार्केट बढ़ रहा है, तो यहां पर दोस्तों ये जो है ये पिवट्स है जो राइजिंग हाइज है, मार्केट का लो है लेकिन हायर लोज है, इन्हें जब हम ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना कि जब हम ट्रेंड लाइन को करेक्टली ड्रॉ करते हैं उसमें दो मुख्य बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। और वो दो मुख्य बातें क्या है दोस्तों, नंबर वन ये है कि जब भी हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, चाहे हम डिसेंडिंग हाइज को ज्वाइन करें या असेंडिंग लोज को ज्वाइन करें, उस केस में मिनिमम ट्रेंड लाइन में तीन टच पॉइंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो दोस्तों मैं आपको यहां पर आप देखिए दोस्तों, तो ये एक दो एंड ये तीन पॉइंट, कम से कम तीन पॉइंट को ज्वाइन करने से उसे हम वैलिड ट्रेंड लाइन बोलते हैं, उसका सिग्निफिकेंस बहुत हाई होता है। दो पॉइंट को ज्वाइन करके भी बहुत लोग ट्रेंड लाइन खींचते हैं, बट वो एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन तो हो सकती है बट उसमें एक्यूरेसी नहीं आती है। ऑब्जर्वेशनल क्यों, क्योंकि दो पॉइंट ऐसे बने, हमने ड्रॉ करके चार्ट पे रखा, तो
तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि थर्ड टाइम जब वो टच कर रहा है उस पॉइंट पर तो किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब यहां पे हम कंबाइन क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को कैंडलस्टिक पैटर्न से कंबाइन करते हैं, और अगर वो रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके या ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेके, तो वो पॉइंट होता है जहां ट्रेंड लाइन वैलिड बन चुकी है। इसका दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहां पे देखिए, इस लो पॉइंट को ज्वाइन किया, इस लो पॉइंट को ज्वाइन किया, इस लो पॉइंट को ज्वाइन किया, तो मिनिमम 3 टच पॉइंट जब तक ट्रेंड लाइन पे नहीं है दोस्तों वो वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। 2 टच पॉइंट वाली ट्रेंड लाइन को हम ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करने के लिए रखते हैं कि आगे मार्केट अगर हायर हाइज बना रहा है एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो अगला लो जो हायर बनेगा क्या इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाता है कि नहीं। सिमिलरली अपोजिट, अगर हमारी ट्रेंड लाइन फॉलिंग है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके हम चार्ट पे रख सकते हैं, बट उसे हम ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी एक्यूरेसी के साथ में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और दूसरा रूल क्या है दोस्तों, दूसरा रूल है कि जब भी ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं तो कोई भी कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट उस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हम हायर लोज को ज्वाइन करके खींच रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें दोस्तों, तो ये इस जगह पे अगर हमने देखा तो शैडो तो नीचे हो सकती है बट कोई भी क्लोजिंग पॉइंट इस ट्रेंड लाइन के बिलो नहीं होना चाहिए। शैडो नीचे है, इट्स गुड। वो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों कि बेयर्स ने प्राइस को पुश करके नीचे लेके आए सपोर्ट से, लेकिन डिमांड जनरेट हुई और इतनी पावरफुल डिमांड थी कि प्राइस अल्टीमेटली उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज हुई, तो वो एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है। और जब हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों फॉलिंग ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के रूप में, तो इस पॉइंट के ऊपर में, इस पॉइंट के ऊपर में या इस पॉइंट के ऊपर में कोई भी क्लोजिंग पॉइंट अबव नहीं होना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के। शैडो हो सकता है दोस्तों, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो बुल्स थे, जो बायर्स थे, उन्होंने पुश करके प्राइस को उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ले गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना आया कि उन्हें हार माननी पड़ी और प्राइस अल्टीमेटली उस ट्रेंड लाइन के नीचे में आके क्लोज हुई। तो ये दोस्तों नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो रूल को दिमाग में रखें, 3 टच पॉइंट्स एंड क्लोजिंग पॉइंट नीचे नहीं होना चाहिए या ऊपर नहीं होना चाहिए, किस तरह की ट्रेंड लाइन आप खींच रहे हैं उस समय पे आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर में। तो दोस्तों हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की प्रोसीजर से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहां पे क्या विदित हो रहा है कि हमने इस चार्ट में केवल 2 पॉइंट को ही कंसीडर किया है जो हायर लोस का फॉर्मेशन हुआ है। तो पिवट्स तो है दोस्तों, लेकिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करें, इस ट्रेंड लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करें, ये देखिए दोस्तों इसको हम आगे एक्सटेंड करें, तो कोई तीसरा टच पॉइंट यहां पे समझ में नहीं आ रहा है, या हम उसे पीछे एक्सटेंड करें तो दोस्तों यहां पर हमें कोई तीसरा टच पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि जब भी हम कंसीडर करते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का, तो ये 2 टच पॉइंट पर हम इसे ये रख सकते थे दोस्तों, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया कि हम ये रख सकते थे कि हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया और इस पॉइंट को कंसीडर किया और ये एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन बन गई। और अगर यहां पर इसको हम एक्सटेंड करके रखते अपने चार्ट पर और पीछे साइड में एक्सटेंड करने से तो पॉइंट कोई मिला नहीं था तीसरा,
तो यहां पर अगर ये जब करेक्शन हुआ था, मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूं दोस्तों, तो आप यहां देखिए जब ये करेक्शन हुआ था तो क्या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में प्राइस अरेस्ट होती है और कोई रिवर्सल दिखाती है, कोई ऐसा कैंडलस्टिक बनता है जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या तो वो बुलिश हरामी हो या फिर बुलिश एंगल्फिंग हो या फिर शूटिंग स्टार सॉरी पिन बार फॉर्मेशन हो, हैमर का फॉर्मेशन हो, और या फिर दोस्तों वन वाइट सोल्जर हो, जो हमने पिछले श्रृंखला में जीरो टू हीरो में ये सब पैटर्न को देखा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन तो जरूर हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू, ड्रॉइंग ट्रेंड लाइन से रिलेटेड, और कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि करेक्ट तरीका क्या है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। तो चलिए दोस्तों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों दो ट्रेंड लाइन खींची गई है, और आप गौर से देखिएगा दोस्तों कि ये एक टच पॉइंट है, ये एक टच पॉइंट है, इस जगह पे टच पॉइंट है, इस जगह पे टच पॉइंट है, तो इस जगह पे टच पॉइंट है। तो मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, सर्टेनली तीन से अधिक है, तीन या तीन से अधिक है। और दोस्तों अगर मैं इसे फिलहाल देखूं तो ये दूसरी ट्रेंड लाइन जो खींची गई है, इसमें ये टच पॉइंट है, ये टच पॉइंट है, और ये टच पॉइंट है, और कोई भी क्लोजिंग पॉइंट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं है दोस्तों। तो ये हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन के दौरान जो हायर लोज बने उनको कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है दोस्तों। अब इसे हम यहां से रिमूव करते हैं, और दोस्तों इसे आप अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां पर एक टच पॉइंट था, ये टच पॉइंट था, और एक टच पॉइंट था, तो इस स्टेज के बाद में ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। मतलब कितने ट्रेड पॉसिबल हो सकते थे कि दोस्तों ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, अगर यहां पे टच करके इसने, आप देखिए यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे, और इस ट्रेंड लाइन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। अब देखिए मार्केट ने एक्सपेंशन दिया, एक्सपैंड किया मार्केट ने, और एक ट्रेंड लाइन ऊपर में फॉर्मेशन हुई, तो ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली थ्री टच पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, और कोई भी क्लोजिंग पॉइंट ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं होना चाहिए जब हम हायर लोस को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक पिछले दो एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि जब हम कनेक्ट कर रहे थे असेंडिंग हाइस को, या फिर हम ये बोले हायर लोज को, इन पिवट्स को जब ज्वाइन कर रहे थे उसके एग्जाम्पल लिए, अब हम जब फॉलिंग ट्रेंड लाइन खींचते हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट ये दोस्तों अपोजिट है। तो ये देखिए दोस्तों ये दो टच पॉइंट्स हैं, ऑल्दो इसमें कोई भी क्लोजिंग पॉइंट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है, तो दोस्तों ये एक इनवैलिड ट्रेंड लाइन है क्योंकि तीसरा टच पॉइंट इसमें नहीं है। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन के लिए ड्रॉ करके हम चार्ट में रख सकते हैं कि क्या आगे वाले समय पे जब पुल बैक होगा तो इस ट्रेंड लाइन को टच करके क्या प्राइस में कोई रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, और अगर वहां पे प्राइस में रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो उस मोमेंट पे ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन सकती है। अदरवाइज हमें फिर से रीलोकेट करना पड़ेगा और वो जगह देखनी पड़ेगी चार्ट में जहां मिनिमम थ्री टच पॉइंट्स हमें मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल नंबर फोर लेते हैं। ये इतने सारे एग्जाम्पल इसीलिए ले जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि ड्रॉइंग ट्रेंड लाइन एक्यूरेटली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, एंड ये एक आर्ट है जिसे हर अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एंड दोस्तों चलिए इस पिक्टोरियल डायग्राम में देखते हैं कि यहां पर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर ये एक जो ट्रेंड लाइन खींची गई है ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है दोस्तों। और वैलिड ट्रेंड लाइन ये क्यों है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए एक टच पॉइंट, ये वाला टच पॉइंट, ये टच पॉइंट, ये वाला टच पॉइंट, एंड ये टच पॉइंट, ये इतने सारे टच पॉइंट हैं। यहां पे आप गौर से देखिए दोस्तों इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट पे आप गौर से देखिए कि यहां पर शैडो तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर में नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल की ऊपर वाली जो पॉइंट है बॉडी का पोर्शन वो ओपनिंग है और नीचे क्लोजिंग है। इसका मतलब क्लियर कट ये प्राइस रिजेक्शन नजर आ रहा है। यहां पर क्लियर कट आप देखिए कि प्राइस रिजेक्शन नजर आ रहा है, प्राइस रिजेक्शन नजर आ रहा है। इवन इस ग्रीन कैंडल में ही प्राइस रिजेक्शन समझ में आ गया था। ये आप ग्रीन कैंडल देखिए, इसकी शेडो उस लाइन पे टच करके रिजेक्ट की थी। तो दोस्तों यहां पर इस तरह से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है अगर हम ठीक से ट्रेंड लाइन को खींचना सीख जाते हैं, और दो रूल को दिमाग में हमेशा बार बार रखना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जैसा हमने शुरू में ही देखा कि प्राइस पैटर्न्स के लिए ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसका बहुत फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होता है, एंड दोस्तों या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। तो दोस्तों अब हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि दो ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन में किस तरह से चार्ट पैटर्न को हम चार्ट के ऊपर में जब ड्रॉ करते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये पिक्टोरियल डायग्राम है, और इसमें हमने दो ट्रेंड लाइन खींची है। एक ट्रेंड लाइन आप ये देख सकते हैं, दिस इज दी लेट मी ड्रॉ, दिस इज वन ट्रेंड लाइन। इसको अलग कलर ले लेते हैं दोस्तों। ये एक ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, तीन टच पॉइंट है, और एक ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। अब ये दो ट्रेंड लाइन को जो हमने कंबाइन किया तो दोस्तों क्या बन गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेंड लाइन से बन गया एक ट्रायंगल। हमने ज्योमेट्री में सीखा है ट्रायंगल क्या होता है। अब ट्रायंगल जब भी बनता है दोस्तों तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ट्रायंगल बनेगा तो उसका बेस भी होगा, उसका आधार भी होगा। तो उसके बेस, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई बेस नहीं है तो बेस कहां से बनता है दोस्तों। जब भी कोई ट्रायंगल बनता है तो ट्रेंड लाइन से उसकी दो साइड्स बनती हैं, दो भुजाएं बनती हैं, और बेस जो बनता है वो प्राइस एक्शन से बनता है दोस्तों। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखिए दोस्तों तो इस ट्रेंड लाइन में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये ट्रेंड लाइन में ये आप देखिए एक वर्टिकल फॉल हुआ है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं वर्टिकल फॉल। तो ये ट्रेंड लाइन, इसे हम बोल सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का बेस है, ये बेस है। ये आप देखिए दोस्तों ट्रेंड लाइन का बेस है। अगर हम इसे यहां से जो टच पॉइंट है इससे ये प्राइस एक्शन तक ड्रॉ करें तो ये बेस बन गया। अब ये बेस बन गया तो ये एक साइड हो गई ट्रायंगल की और ये दूसरी साइड हो गई। तो दोस्तों इस बेस का इस्तेमाल होता है जब हम टारगेट निकालते हैं, जो आने वाले धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ेंगे 0-0 श्रृंखला में हम सीखेंगे। बट ऑलवेज याद रखिए दोस्तों, ऐसा ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो दो ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, जिसमें अगर हम बेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाए पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो दोस्तों वो एक्चुअली में हम उसे ट्रायंगल नहीं बोल सकते हैं। क्या हमने ज्योमेट्री में ऐसा ट्रायंगल पढ़ा है जिसका बेस नहीं है? तो ट्रायंगल का आधार होगा, बेस होगा, और दो बेस के अलावा दो साइड्स होंगे। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब दो ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन से ट्रायंगल बनता है तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रायंगल कितने प्रकार के बन सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल ऑन द प्राइस चार्ट। तो अब दोस्तों हम पहले बात करेंगे, पहला प्रकार है जो वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो इस पिक्टोरियल डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रही थी,
और ये ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन से ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, जिसका ये दोस्तों ये जो पोर्शन है ये इसका बेस बन गया, ये बेस बन गया। बेस कहां से बनेगा पॉइंट? ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो वो ट्रायंगल का बेस होगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल के अंदर में प्राइस ट्रेड हो रही थी और ये सडनली इस ट्रायंगल के बाहर चली गई। यहां पर तो ये क्या हुआ दोस्तों? अपसाइड ब्रेकआउट हुआ। तो इसे बोलते हैं ब्रेकआउट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब दोस्तों ये जब हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे हम सीखेंगे क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमें नजर आता है उस ब्रेकआउट को ट्रेडिंग करने से रिलेटेड। पहले फिलहाल ये समझना जरूरी है कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है दोस्तों, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट दोस्तों ये यहां पे डाउनसाइड भी हो सकता था। तो इसका दोस्तों टारगेट कैसे है? ये जितना इसका बेस है दोस्तों, ये जो बेस है इसको हम सीधा वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो दैट बिकम्स इट्स टारगेट। और दोस्तों सिंस ये इसके लाइन के बाहर में ये ब्रेकआउट हुआ है ये पर्टिकुलर साइड्स के, तो ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट जो है, तो जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि एक बार प्राइस ब्रेकआउट हो गया। हम आगे आने में सीखेंगे दोस्तों कि ब्रेकआउट क्या होता है और डिसाइसिव ब्रेकआउट क्या होता है। दोस्तों हमें बहुत क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं, कम ट्रेड लेने हैं लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं। हम जब तक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होगा हम रिलाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों डिसाइसिव ब्रेकआउट जब होता है तो संभावनाएं टारगेट अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने एक टाइप के ट्रायंगल को देखा जो इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेंड लाइंस, वन इज फॉलिंग ट्रेंड लाइन, अनदर इज राइजिंग ट्रेंड लाइन। नाउ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप के ट्रायंगल को जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अब दोस्तों नाम को गौर से देखिएगा, असेंडिंग का मतलब है कि जो पिवट पॉइंट है वो असेंडिंग पिवट पॉइंट को ज्वाइन करके बने हैं, लेकिन दूसरी ट्रेंड लाइन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। मींस एक सप्लाई एरिया है जहां पे प्राइस टच करती है रिजेक्ट होती है, टच करती है रिजेक्ट होती है। चलिए इसे पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यह है इसका पिक्टोरियल डायग्राम, और यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो इसमें फॉर्मेशन हुआ है, तो ये आप देखिए ये एक लो था, ये लो था, तो ये सपोर्ट की तरह से, तो ये असेंडिंग लोज बन रहे हैं, मतलब हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों ये दूसरी ट्रायंगल की साइड है, दूसरी भुजा है ट्रायंगल की। तो यहां पे अगर हम इसे देखें तो ये क्या था, यहां पे रेजिस्टेंस था, इस जगह पे रेजिस्टेंस था और इस जगह पे रेजिस्टेंस था, और इसके बाद में असेंडिंग ट्रायंगल में ये नीचे में ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए प्राइस इस ट्रायंगल के इस सपोर्ट को तोड़ के ये नीचे आ गई। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसमें भी जो ट्रायंगल का बेस है, ऑब्वियसली ये बेस है, तो इसके टारगेट को हम क्या करते हैं, यहां से प्रोजेक्ट कर देते हैं बेस को नीचे, जहां ब्रेकआउट हुआ है उस पॉइंट से नीचे प्रोजेक्ट कर देते हैं, वो उसका टारगेट आ जाता है। अब दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी जब इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो दोस्तों इस पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा दो तरह के ट्रायंगल्स को, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल और एक असेंडिंग ट्रायंगल। अब तीसरा टाइप का ट्रायंगल दोस्तों है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। जैसा नाम सजेस्ट करता है दोस्तों कि ये डिसेंडिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके
इस ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है। अब दोस्तों डिसेंडिंग पॉइंट्स, इसका मतलब यह है कि मार्केट लोअर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा है और उन पिवट्स को ज्वाइन करके इसको डिसेंडिंग पॉइंट्स को, लोअर पीक्स को ज्वाइन करके इसे ड्रॉ किया गया है। तो चलिए पिक्टोरियली समझते हैं दोस्तों, ये है ट्रायंगल दोस्तों। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो हुआ है, आप देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस था, और इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है। तो इसका एक साइड हॉरिजॉन्टल है, मींस प्राइस इस लेवल पे आती थी, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है, प्राइस एक्शन के द्वारा ड्रॉ की हुई, यहां पे सपोर्ट लेती थी प्राइस, इस जगह पे सपोर्ट लेती थी। और उसके बाद आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, इसका यहां पर डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और प्राइस इस ट्रेंड लाइन के, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, उससे बाहर चली गई। तो ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब दोस्तों यहां पर नेचुरली है, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, अब एक बार ब्रेकआउट हो गया तो ये एक अब सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसका ट्रायंगल का बेस क्या हुआ दोस्तों, एग्जैक्टली वही हुआ, ये जो इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक हमने ड्रॉ किया, तो ये इसका बेस हो गया दोस्तों, दिस इज द बेस, बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब टारगेट क्या होगा, ये ब्रेकआउट पॉइंट से हम इसको सीधा प्रोजेक्ट कर देंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा, दिस इज टारगेट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा दो ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन से ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, और तीन तरह के ट्रायंगल्स बनते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब दोस्तों हम वेजेस को समझेंगे, वेज भी दो ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन से बनता है दोस्तों, बट ये भी ट्रायंगल ही होता है। लेकिन अभी तक हमने कॉम्बिनेशन क्या देखा दोस्तों, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। और दोस्तों अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, तो वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का बन गया फॉर्मेशन। अब यहां पे दोस्तों वेजेस की बात हो रही है, तो वेज में क्या होता है दोस्तों, या तो दोनों ट्रेंड लाइन राइजिंग होंगी या दोनों ट्रेंड लाइन फॉलिंग होंगी, तो एक वेज जैसा फॉर्मेशन नजर आता है, इसलिए से वेज बोलते हैं। अब दोस्तों पहले हम देखते हैं राइजिंग वेज को, जहां दोनों ट्रेंड लाइन राइजिंग है और इस तरह का फॉर्मेशन होता है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों। और इस तरह के फॉर्मेशन के बाद जब प्राइस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो दोस्तों बहुत मासिव तरीके से मूवमेंट होने की संभावना प्राइस में होती है। तो चलिए पिक्टोरियली समझते हैं दोस्तों। तो अगर यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन देखिए राइजिंग है, ये आप देखिए यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ये यहां पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एंड ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ इस वेज का। और ये नॉर्मली ब्रेकडाउन जो दोस्तों होते हैं, काफी वायलेंट होते हैं, और इस तरह के ब्रेकडाउन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी हाई। अगर हमने सही से ट्रेड सेटअप लगाया, ओनली प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार रिस्क रिवार्ड रेशियो में ये ब्रेकडाउन इतना स्टीप हो जाता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो में ये ट्रेड बनते नहीं है, क्योंकि प्राइस सडनली ओवर एक्सटेंडेड हो जाती है। अब दोस्तों इसमें आप देखिए, इसमें हम ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, मैं पहले रिमूव कर देता हूं जो मैंने अभी ड्राइंग की है, इसको रिमूव कर देते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसमें आप देखेंगे दोस्तों, तो ये इसका बेस हो गया। बेस कहां से निकाला, जो ये पहला टच पॉइंट था राइजिंग वेज में, और उसको सीधा वर्टिकल लाइन खींच दी नीचे ट्रेंड लाइन के पास में, तो ये इसका हो गया बेस राइजिंग वेज का।
अब टारगेट क्या होगा दोस्तों कि जहां पे ब्रेकआउट हुआ उस पॉइंट से लेकर हम इसके नीचे में प्रोजेक्ट कर देंगे, ये इसका टारगेट हो गया दोस्तों। अब ऑब्वियसली ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है और कैंडलस्टिक का जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ऑब्वियसली ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक है, तो हम उस बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस निकालते हैं, क्योंकि राइजिंग जो वेज है वो अगर कंटिन्यूअसली राइज कर रही है तो वो काफी स्टॉप लॉस दूर आएगा। इन सब बातों को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पहले तो ये डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजेस किसे बोलते हैं, और इस तरह के ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन जो है बड़े वायलेंट होते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा राइजिंग वेज के बारे में, जहां दोनों ट्रेंड लाइन का जो कॉम्बिनेशन था वो राइजिंग था। अब दोस्तों हम समझते हैं फॉलिंग वेजेस के बारे में, जहां पर दोनों ट्रेंड लाइन फॉल कर रही हैं, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इसे हम फॉलिंग वेज बोलते हैं क्योंकि दोनों ट्रेंड लाइन फॉल कर रही है। चलिए दोस्तों इसे पिक्टोरियली समझते हैं, और यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों, लेट मी शो यू, यहां पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये सपोर्ट पॉइंट था, ये सपोर्ट पॉइंट था, ये सपोर्ट पॉइंट था। और जब भी फॉलिंग वेजेस में दोस्तों अपसाइड ब्रेकआउट होता है, आप देखिए ये अपसाइड ब्रेकआउट यहां पर हुआ, तो एक वायलेंट अपसाइड मूव आपको नजर आएगा। और अगर इस समय पे और भी एक डेफिनेट सिग्नल मिले पैटर्न में, और ये इस समय पे अपियर हो जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो और भी पैटर्न नजर आएंगे दोस्तों, और ये एक डेफिनेट सिग्नल की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये जो ब्रेकआउट हुआ, तो इसका भी अब बेस देखें, तो बेस क्या होगा दोस्तों, ये हाईएस्ट पॉइंट से लेकर ये लाइन का ये हमने बेस खींच दिया, और इसी बेस को ये ब्रेकआउट पॉइंट से यहां से हमने इसे प्रोजेक्ट कर दिया। तो दिस इज टारगेट ऑफ फॉलिंग वेजेस अपसाइड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जितने भी वेजेस को हमने देखा, तो अलग अलग सिचुएशन में ये वेजेस किस तरह से वर्क करते हैं, इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों इस टिपिकल डायग्राम में अगर देखते हैं, तो ऊपर के साइड में दो वेज का फॉर्मेशन है। अब ये वेज का फॉर्मेशन जो है, मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, ये आप देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, और ये दो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का वेजेस का फॉर्मेशन बना, ये एक ट्रेंड लाइन और ये दोनों फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, और अपसाइड ब्रेकआउट हुआ। तो ये तो एक बुलिश ट्रेंड में इस तरह का वेज का फॉर्मेशन हुआ, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुल रन में था, एक नॉर्मल करेक्शन हुआ जो फॉलिंग वेज के द्वारा चार्ट पे दिखाई दिया, और उसका ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड में जाएगा। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है, ट्रेंड डाउनवर्ड है और यहां पर वेज का फॉर्मेशन हुआ, फॉलिंग वेज का, और ये ब्रेकआउट अपसाइड में हुआ, तो इसमें भी बड़ा वायलेंट अपसाइड मूव होता है। अब ये रिवर्सल है या एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक होने जा रहा है बिकॉज प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, ये दूसरा सब्जेक्ट है ओवरऑल एनालिसिस करने का। बट इस पैटर्न में मूव नॉर्मली वायलेंट होता है। एंड दोस्तों ये नीचे के एग्जाम्पल में आप देखिए, ये अप ट्रेंड है और अप ट्रेंडिंग मार्केट में एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन हुआ और डाउनवर्ड ब्रेक डाउन हुआ, तो यहां पे मान के चलिए एक बहुत वायलेंट करेक्शन होने जा रहा है डाउन साइड में। एंड ये है दोस्तों डाउन ट्रेंड, एंड डाउन ट्रेंड में ये राइजिंग वेज का फॉर्मेशन है और इसका ब्रेकडाउन नीचे है, मींस ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था ये एक पुल बैक के बाद में फिर से नीचे
और अपनी ओरिजिनल दिशा में प्राइस मूव करने वाली है, जो ओवरऑल ट्रेंड राउंड है उसी दिशा में। तो दोस्तों ये सारे समराइज में, तो वेजेस जो हैं, जो फॉलिंग वेजेस हैं, वो अप ट्रेंड में भी अपियर हो सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी अपियर हो सकते हैं, और जो राइजिंग वेजेस हैं वो भी दोस्तों अप ट्रेंड में अपियर हो सकते हैं एंड डाउन ट्रेंड में अपियर हो सकते हैं। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न्स की प्रक्रिया जीरो टू हीरो सीरीज में अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि चार्ट पैटर्न या प्राइस पैटर्न जिन्हें हम बोलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और एक एक पैटर्न को समझेंगे, और उसके बाद उसमें एग्जांपल्स लेंगे दोस्तों, और उसमें प्राइस टारगेट कैसे निकालते हैं, स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल जितने टाइप के मेजर पैटर्न्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे आने वाली श्रृंखला में। एंड दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है, ये जीरो टू हीरो श्रृंखला आपको पसंद आई है, तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सकें। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में दोस्तों नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों सिर्फ सब्सक्राइब करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपको बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल करना होगा, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पे मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल में मिस ना करें। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।